हेलो गाइस, दिस इज शैली पटेल, योर वेरी ओन गोलू मोलू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यस 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 आई नो, बहुत बहुत दिन बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ। बहुत दिन हो गए, ऑलमोस्ट एक महीना हो गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी 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 सॉरी। एक्चुअली मेरे एग्जाम्स थे, देन थोड़ा बहुत काम में बिजी थी मैं, एंड देन दो तीन व्लॉग्स ऐसे थे जिसको मैंने शूट किया था, क्लिप्स लिए थे, बट मेरे को खुद को ऐसे सेटिस्फैक्शन नहीं आया कि अच्छा बने। थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा था वो वीडियोस में, तो आई वाज लाइक अगर मेरे को ही मज़ा नहीं आ रहा तो आप लोगों को भी मज़ा नहीं आएगा, तो वो वीडियोस मैंने नहीं डाले। मैंने छोड़ दिए वो व्लॉग्स आधे में ही। तो यस, इस वजह से ऑलमोस्ट एक महीना हो गया, बट नाउ आई एम बैक एंड आज मैं कुछ नया ट्राई कर रही हूँ। जैसे मैंने बोला था, मैं कुछ नया टाइप के वीडियोस ट्राई करने वाली हूँ, सो दिस इज़ वन ऑफ देम। सो आज का जो वीडियो है वो बेस्ड है फूड पे, एंड फूड हम में से किसको नहीं पसंद है, टेल मी। अगर एक भी जन ऐसा है जो आप जानते हो जिसको फूड नहीं पसंद है, जिसको खाना खाना नहीं पसंद है, अच्छी अच्छी चीज़ें खाना नहीं पसंद, आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा होगा जिसको खाना खाना नहीं पसंद है। फूड इज़ लव फॉर ऑल ऑफ अस, फूड इज़ एन इमोशन। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कैफ़े में एंड वहाँ पर जाके कुछ टेस्टी सा खाना खाएंगे एंड मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या हमने मंगवाया है और वो कैसा था, बिकॉज अब आजकल इतने सारे कैफेज बन गए हैं तो हम जब जाना चाहते हैं तो कन्फ्यूज होते हैं कि कहाँ जाएं, जाके हम हमारे टाइम स्पेंड करें, हमारा मनी स्पेंड करें। एंड ऑब्वियसली अगर हम टाइम एंड मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस अच्छा हो तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यस, अभी हम जा रहे हैं एक कैफ़े में एंड हम देखते हैं कि वहाँ का फूड कैसा है, वहाँ का एम्बियंस कैसा है, वहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाके टाइम स्पेंड कर सकते हो या नहीं। तो लेट्स गो। फाइनली हमारी फर्स्ट आइटम आ चुकी है एंड यहाँ पे मेरी वेट भी नहीं की गई है, खुद ही शुरू कर दिया गया है खाना। जैसे मैंने बोला, फूड इज एन इमोशन, फूड इज लव। कंटिन्यू सॉरी। तो लेट्स ट्राई। तो अभी हमने मंगवाया है, कौन सा गार्लिक था ये, फ्राइड गार्लिक पास्ता एंड मैक्सिकन चीजी फ्राइज। एंड फ्राइज अभी ट्राई नहीं किए हमने, बट पास्ता ट्राई किया एंड थोड़ा सा ब्लैंड है, राइट? कैसा लगा? थोड़ा सा ब्लैंड है, इससे बेटर था गार्लिक ब्रेड, क्योंकि उसमें गार्लिक का फ्लेवर एकदम प्रोमिनेंट आ रहा था, इसमें थोड़ा सा फ्लेवर गायब है, बट इट्स गुड, इट्स एडिबल। बाकी फ्राइज अभी ट्राई करते हैं। सो हम लोग जो कैफे गए थे उसका नाम था बोगो अनप्लग्ड। यस, बोगो यानी बाय वन गेट वन। तो वहाँ पे 365 डेज बाय वन गेट वन का ऑफर रहता है, तो आप लोग हर चीज को सोलो भी मंगवा सकते हो, बाय वन गेट वन करके भी मंगवा सकते हो। एंड
हम लोग वहां जाके इतना खाना देख के और मेन्यू देख के एक्साइटेड हो गए कि मैं आपको बताना ही भूल गई थी कि हम कौन से कैफे में गए। मेरे को निकलने के बाद याद आया कि अच्छा वो भी बताना था। तो बट ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा? 10 में से 6। 10 में से 6। ओके, बिकॉज एम्बियंस नॉट बैड, नॉट सो गुड। लाइक वडोदरा में बहुत सारे और भी कैफेज हैं जिसका एम्बियंस इससे काफ़ी बेटर है, बट ऐसा भी नहीं था कि वहाँ पे हम बैठ के टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। बहुत हम तो काफ़ी देर तक बैठ के आए, आराम से 2-3 घंटे तो बैठे ना, कि ज़्यादा चार ज़्यादा बैठे हैं हम लोग। तो यस, यू कैन गो विथ योर फ्रेंड्स, स्पेशली अगर आपको पार्टी देनी है तो बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि बाय वन गेट वन का ऑफर है, तो आप काफी रिजनेबल हो जाएगा अगर एक बड़ा ग्रुप लेके जा रहे हो तो। सॉरी। ओके, यू सी व्हाट आई हैव टू डील विथ, राइट? बट हाँ, तो आप जा सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अच्छी जगह है। पास्ता अच्छे थे, जो पिंक सॉस पास्ता थे वो बहुत अच्छे थे। गार्लिक वाले पास्ता वैसे बहुत अच्छे थे, बट गार्लिक का फ्लेवर थोड़ा सा कम था, गार्लिक गायब था उसमें से। सारा गार्लिक ब्रेड में डाल हाँ, दिया गार्लिक ब्रेड में डाला था, जो बहुत अच्छा लग रहा था, डोंट गेट दैट रॉन्ग, बहुत टेस्टी था गार्लिक ब्रेड। देन फ्राइज ओके ओके थी। मिंट मोई तो थोड़ा सा स्वीट था उसमें, और थोड़ा सारनेस या सॉल्टीनेस थोड़ा सा होना चाहिए था, बाकी इट वॉज ऑल्सो गुड। और कुछ ऐड करेगी? नो। नो। ओके, सो यस, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये भी कुछ बोलना चाहती है, बोले बेटा नहीं बोलना। वो बोल रही है कि आपको ऐसे टाइप के वीडियोस अच्छे लगे या नहीं, वो कमेंट्स में ज़रूर बताओ। और कौन से जगह पे आप वीडियोस देखना चाहोगे, या कुछ फूड रिलेटेड चैलेंजेस भी हो तो वो भी कमेंट्स में आइडिया दो, हम ज़रूर करेंगे। मतलब आई एम बोल नॉट दिया श्योर ना। अबाउट हर, क्योंकि वो थोड़ी कभी कभी कैमरा से भाग जाती है, बट मैं ज़रूर करूँगी। तो यस, कमेंट्स में आइडियाज़ दो अगर फूड रिलेटेड कुछ चैलेंजेस चाहिए तो, या तो कोई और कैफ़े है जिसका आप रिव्यू जानना चाहते हो, या जैसे आज का वीडियो है वैसा कुछ जाके थोड़ा एक्सपीरियंस, हमारा एक्सपीरियंस जानना चाहते हो तो कमेंट्स में बताओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, कीप लविंग। हाहाहाहा